से फैले खतरनाक कोरोना वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली के अलावा तेलंगाना में इस जानलेवा वायरस के शिकार दो लोग सामने आए हैं। वहीं दो और अन्य मामले सामने आने के बाद भारत में इसकी संख्या बढ़कर 5 हो गई है। इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री राजवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। इस खतरनाक वायरस से अब तक करीब 3,000 लोग की जान जा चुकी है और 90,000 के आसपास लोग संक्रमित हैं। समस्या यह है, अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। ऐसे में एहतियाती कदम ही सबसे बड़ा बचाव साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एडवाइजरी के मुताबिक रोजमर्रा के जीवन में हम अगर छोटे छोटे काम करते हैं तो संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाएगा। पहला बचाव, नियमित तौर पर हाथ धोएं। दिन में कई बार नियमित तौर पर साबुन और पानी से हाथ को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। बैक्टीरिया मारने वाला अच्छा सैनिटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से हाथों पर रहने वाले वायरस से छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा बचाव, उचित दूरी बनाकर रखें। अपने आसपास के लोगों के साथ कम से कम 3 फीट का फासला बनाए रखने की कोशिश करें, खासतौर से उस व्यक्ति से जिसे खांसी या जुकाम हो। जब कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो हवा में वायरस फैल जाते हैं। अगर आप ज़्यादा करीब रहेंगे तो सांस के रास्ते ये वायरस आपके शरीर में जा सकता है। तीसरा बचाव, नाक मुंह और आँखों को बार बार ना छुएं। अक्सर हम अपनी नाक मुंह और आँखों को बार बार छूते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। हथेलियाँ कई सतहों को छूती हैं, ऐसे में उस पर वायरस होते हैं। दूषित हथेली से वायरस नाक मुंह या आँखों के जरिए शरीर में जा सकता है। चौथा बचाव, छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। अपने आसपास सफाई का खास तौर से ख्याल रखें। ध्यान रहे कि छींकते या खांसते वक्त नाक और मुंह को टिश्यू से ढक लें और तुरंत बाद इस टिश्यू को डस्टबिन में फेंक दें। छींकने से निकलने वाले तरल पदार्थ में ढीरो वायरस होते हैं और ये तेजी से फैल सकते हैं। पांचवा बचाव, बुखार खांसी जुकाम को हल्के में ना लें। अगर आपको बुखार खांसी है या सांस लेने में परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। कोशिश करें कि घर पर ही रहें। डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने से बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ा जा सकता है। छठा बचाव, मोबाइल की स्क्रीन को साफ रखें। अपने स्मार्टफोन को हफ्ते में एक बार डिसइंफेक्टिव वाइप से ज़रूर साफ करें। ये वाइप्स फ़ोन में ऊपरी भाग में रहने वाले सभी कीटाणुओं को ख़त्म कर देते हैं। हमारे हाथ में 24 घंटे रहने वाले स्मार्टफोन की स्क्रीन वायरस का बड़ा अड्डा है। स्क्रीन पर MRSA नाम के जीवाणु होते हैं। सातवां बचाव, बाथरूम को साफ रखें। बाथरूम की सफाई के वक्त शावर को ज़रूर साफ करें। इसे डिटॉल के पानी से धो सकते हैं। प्लास्टिक के पर्दों का बाथरूम में इस्तेमाल ना करें। शावर में मेथिलोबैक्टर समेत कई कीटाणु पनपते हैं। कई शोध में पता चला है कि ये वायरस शावर और बाथरूम के पर्दों में ज़्यादा पनपते हैं। आठवां बचाव, हवाई यात्रा में रखें ये ख्याल। विमान में क्रू सदस्यों के हाथों से खाने का सामान लेने से पहले अपने हाथ को अच्छे से साफ कर ले। हवाई यात्रा में क्रू सदस्यों से कोरोना वायरस फैलने का डर सबसे अधिक रहता है। नवा बचाव, अस्पताल जाना पड़े तो दही खाएं। अगर आपको अस्पताल में रुकना पड़ रहा है तो कोशिश करें कि अपने खाने में दही का इस्तेमाल अवश्य करें। दही में एसिडोफिल्स नाम का बैक्टीरिया होता है जो कई तरह के वायरस को ख़त्म कर देता है। दसवां बचाव, मास्क पहने। अगर आपको खांसी या जुकाम है तो मास्क ज़रूर पहने, खास तौर से बाहर निकलते वक्त। आपके ज़रिए वायरस दूसरों में संक्रमित हो सकता है, इसलिए खास ख्याल रखें। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी और आप संक्रमण से खुद बच सकेंगे।